Hello, India. Hello. What's your name? Lamia. Lamia. From? France? France. Wow. Nice to meet you. Pratik. Pratik Jain. अब वो जो दिख रहा है आपको घर, वो फ्रांस में है और ये जो है ये बेल्जियम में है। कितना फनी है ना, वो उतना खर्चा करने के बाद अगर आपको फास्ट पहुंचना है ना एक देश से दूसरे देश। ओला राइट, ओला मीन्स हेलो, इन इंडिया वी से नमस्ते, यू नो नमस्ते ऑल्सो। हाँ वाह, जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं उससे आप 33 कंट्रीज जा सकते हो, तो वो पूरा मैं आपको गाइड करूंगा कितने का मिलता है, क्या कॉस्टिंग होता है, कितना वैलिडिटी रहता है, कैसे परचेस करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आज के दिन में हम ट्रैवल कर रहे हैं पेरिस से बेल्जियम, मतलब हम पेरिस को फ्रांस को फिलहाल के लिए अलविदा कह रहे हैं और जा रहे एक नए देश में यूरोपियन कॉन्टिनेंट के, जो बगल वाला ही देश है, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं बेल्जियम। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला, इसका कारण ये है कि हम ट्रैवल तो कर रहे लेकिन वो ट्रैवल कर रहे ट्रेन से, और इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आपको भी यूरोप की वो पास रहती है ना, ईयू पास बोलते हैं उसको, और आप खरीद सकते हो, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो 33 कंट्रीज, जी हाँ सिंगल पास से आप ट्रैवल कर सकते हो पूरे यूरोप में, टर्की, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड है, 33 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो। हालांकि शेंजन वीज़ा से आप 27-28 देश ही जा सकते हो, टर्की वगैरह के लिए अलग वीज़ा लगता है, लेकिन वो ईयू पास जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं उससे आप 33 कंट्रीज जा सकते हो, तो वो पूरा मैं आपको गाइड करूँगा कितने का मिलता है, क्या कॉस्टिंग होता है, कितना वैलिडिटी रहता है, कैसे परचेस करना, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस अभी हॉस्टल से निकला हूँ और पहुंच रहा हूँ गारे दे नॉर्ड रेलवे स्टेशन, जो बगल में ही है, 3 मिनट बाय वॉक। इनफैक्ट आ भी गया, रेलवे स्टेशन अपने हॉस्टल या होटल से अगर 2 मिनट में पहुंचा जाए बाय वॉक तो उसका अलग ही मजा है, सच कह रहा हूँ। एनीवेज लाइन सर ट्रेनें लगी है, कोई लंदन जा रही है, कोई जर्मनी जाएगी, कोई बेल्जियम जाएगी, कोई एम्स्टरडेम जाएगी, है ना। एनीवेज गाइस, मैं ये बता रहा हूँ कि आपने देखा रहेगा कि बाहर इतना अंधेरा था, तो क्या इतना कितना अर्ली मॉर्निंग है? जी नहीं, इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं है। इनफैक्ट अभी बजे 7:45 सुबह के, लेकिन यहाँ पे यही पंगा है आज के तारीखों में, आई मीन नवंबर फर्स्ट वीक में, कि सनराइज लेट होता है और सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अंधेरा ज़्यादा रहता है, उजाला बहुत कम रहता है दिन में। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, ये कह रहा हूँ कि यहाँ से जो मेरी ट्रेन है बेल्जियम की 4.25 घंटे लगाएगी, जी हाँ, क्योंकि अभी कैसा रहता है कि ईयू पास जो आपने खरीद लिया ना एक बार, एक तो ये बता दूं कि भाई साहब ईयू पास या फिर यूरो रेल है ना, बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे को पहले लगता था कि जापान बहुत महंगा है, मतलब बुलेट ट्रेन वगैरह उसके कॉस्टिंग बहुत हाई थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेन में ट्रैवल करना इज़ नॉट इजी, बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक तो आपको यू पास खरीदना है, ठीक है, वो उतना खर्चा करने के बाद अगर आपको फास्ट पहुंचना है ना एक देश से दूसरे देश। हाँ बढ़िया, ओके ठीक हो जाएगा, तो डोंट वरी। मैं कह रहा हूँ कि इतना महंगा है कि एक तो आपने ईयू पास खरीदा इतना महंगे भाव में, ऊपर से जब आप फास्ट ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हो या फिर लिमिटेड चेंजेस करनी है ट्रेनें, क्योंकि यूरोप में ट्रेन में आपको कहीं भी एक देश से दूसरे देश जाना है आपको ट्रेनें चेंज करनी ही पड़ेगी, डायरेक्ट ट्रेन तो आपको ना के बराबर मिलेगी, अगर मिल गए तो आपके नसीब, और उसमें अलग से पैसा भी देना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे फास्ट ट्रेन में अगर बात करूँ तो पेरिस से ब्रुसेल जो कैपिटल है बेल्जियम का जिधर हम जा रहे, 2.25 घंटे में पहुँचा जाता है, लेकिन अलग से 3,000 रुपया दो। मतलब मैं बोला कि ये क्या सीन है भाई, इतना महंगा पास खरीदने के बाद 2,500-3,500 जो मर्जी ये लोग अलग सीट रिजर्वेशन के नाम पे लेते हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, 2 घंटा लेट पहुंचूंगा चलेगा, कौन सा मेरे को ब्रुसेल में जल्दी जाके टीका लगवाना है, ऐसे भी हॉस्टल में तो चेक इन तो टाइम पे ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि जल्दी मिल जाएगा, है ना, 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे, 3 बजे के आसपास चेक इन टाइम है। एनीवेज यहाँ मैं देख पा रहा हूँ मेरी ट्रेन है 7:17 की, ऑलनोई अमेरिस, यहाँ पे उतरना है, फिर यहाँ से किधर और चेंज करना है, किधर और जाना है, फिर वहाँ से चेंज करके कहीं और जाना है, मतलब 3-4 ट्रेनें बदल के मैं पहुँचेगा, माय गॉड। ओ इफ यू डोंट हैव ईयू पास एंड यू गो डायरेक्टली, सो 130-150 यूरो टिकट, 12-14 हज़ार की टिकट यहाँ से ब्रुसेल्स की, बताओ। नाउ डिपार्चर टाइम More than 100 euros. If you take like 1 month or 2 months before, 1 month before, you can pay for 50 80. Euros. Huh? 6 platform number. Yes. लग गई. वो रही 6. मैं मोहतरमा से जो यहाँ पे काम करते हैं ना उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा था, वो मेरे को कह रहे थे कि अगर अभी आप टिकट खरीदो, आपके पास अगर पास नहीं है ना, तो आपको 130-150 यूरो पे करने पड़ेंगे वो फास्ट वाली ट्रेन में। मैंने कहा भाई साहब, एक देश से दूसरे देश ट्रेन में जाना है तो 13-14 हज़ार रुपया,
उन्होंने कहा कि एक महीना दो महीना पहले अगर बुक करोगे तो और सस्ता पड़ता है, मतलब 60 यूरो 70 यूरो में आपको टिकट मिल जाती है। फिर भी यार कॉस्टली है, जो भी बोलो मैं इतना ही कहूँगा शॉर्ट में। ये रही ट्रेन, मैंने बोला कि देखो बॉस मैंने वो सीट रिजर्वेशन वाला बुक नहीं किया है 30 यूरो एक्स्ट्रा देके, तो क्या मेरे को सीट तो मिलेगी ना? उन्होंने बोला ऑफकोर्स सीट तो मिलेगी ना, क्योंकि ये लोकल ट्रेन है ना, तो जिधर सीट मिले बैठ जाना। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई ओ मसी, वाह सीट तो बढ़िया है। ये भाई रिजर्वेशन डब्बा तो नहीं है ना, वरना पता चला टीसी आया मेरे को उठा दिया फिर फाइन वाइन लगा दिया। दिस इज नॉट रिजर्वेशन कोच राइट? ओ परफेक्ट थैंक यू मर्सी। बाय द टाइम ट्रेन वगैरह चले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर लेता हूँ। कैसा रहता है ना, यू पास आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, यूरो रेल के वेबसाइट पे बहुत सारे आपको स्कैम्स भी मिलेंगे, फेक भी मिलेगी, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। तो EU रेल इसको बोलते हैं ठीक है, तो EU रेल में आप 33 कंट्रीज जैसे कि मैंने पहले कहा जा सकते हो, घूम सकते हो। अभी पास का इसमें कैसा सिस्टम रहता है कि अगर आपकी एज 27 ईयर्स से कम है ना तो आप यूथ में कहलाते हो, मतलब मान लो कल 27 के हो रहे हो लेकिन आज तक हो तो अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे। और 27 हो गया मेरा तो 30 के ऊपर हो गया, तो जाहिर सी बात है मेरे को एडल्ट का पूरा रेट भरना पड़ा जो कि $280 के आसपास में मैंने खरीदी है 4 दिन के टिकट। जी हाँ 4 दिन की, ऐसा नहीं कि मतलब चारों कंटिन्यूस दिन, फ्लेक्सी टिकट बोलते हैं। मैंने जैसे ही खरीदा वो पास ठीक है, तो एक्टिवेट अगर नहीं किया तो 11 महीने तक मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। 11 महीने में मैं कभी भी यूरोप आके उस पास को यूज़ कर सकता हूँ। और जैसे ही मैंने एक्टिवेट, मतलब आज अगर फर्स्ट ट्रेन में ले रहा हूँ ना, तो बस आज से एक महीना मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक तक आप कह सकते हो ये 30 डेज के अंदर मैं 4 दिन कोई भी ट्रैवल कर सकता हूँ पूरे, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जर्नी। अभी यहाँ से बेल्जियम जा रहा हो सकता है शाम को मेरा मन हो कि यहाँ, फिर वहाँ से एम्स्टरडेम जाओ, एम्स्टरडेम से जर्मनी जाओ, जो मर्जी जितना मर्जी रात के 12 बजे तक मैं वो ट्रैवल कर सकता हूँ पर्टिकुलर दिन। और वैसे 4 दिन पूरे एक महीने में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो आपकी आइटनरी जैसे बनती है ना कि मान लो 3 दिन हम पेरिस रुकेंगे, 3 दिन के बाद यहाँ जाएंगे, फिर 3 दिन वहाँ रुकेंगे, फिर वहाँ से यहाँ जाएंगे, तो उस हिसाब से 4, मतलब अगर आप 5 कंट्रीज करना चाहते हो एटलीस्ट तो ये बहुत काम का है। मिनिमम 4 दिन का मिलता है पास, और मैंने मिनिमम वाला ही लिया $280 का, वो भी सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास इसका होता था $330 या $340, इतना फर्क नहीं है, लेकिन वही बात है ना, ऑलरेडी इतना आप खर्चा कर रहे हो तो फिर और क्यों खर्चा कर रहे हो, मतलब लिमिटेशन जितना रहेगा वो अच्छा रहता है, बाकी तो आपके बजट पर डिपेंड करता है। 5 दिन का पास लोगे तो 310, सेकेंड क्लास की बात करो 310 या 320 का फ्लेक्सी पास मिलेगा। वैसे वैसे अन्य तरीके के रेट से आपका आइटनरी पे डिपेंड करता है, 10 कंट्री कर रहे हो तो 7-8 दिन का पास लो, 15 दिन का भी पास रहता है ना। बात करते हैं यूथ और एडल्ट के रेट्स की फर्क की, तो भाई साहब जैसे मैंने बोला $280 मैंने एडल्ट का फेयर भरा है, यूथ का सीधा $210 या $215 के आसपास, मतलब समझ रहे हो कि अगर आप 27 साल के अंदर अंदर आते हो सोलो ट्रैवल या फिर ऐसा कर रहे हो तो कितना बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। वाह एग्जैक्ट समय पर रवाना हुई, 7:17 को एग्जैक्ट निकली यहाँ से। रवाना होना भी बहुत जरूरी होता है एग्जैक्ट टाइम पे, इसका कारण ये है कि फिर चेंजेस करनी है ना, 12 मिनट बाद नेक्स्ट ट्रेन, 14 मिनट बाद नेक्स्ट ट्रेन, तो छूट ना जाए कोई ट्रेन। इसके लिए यहाँ पे पंक्चुअलिटी बहुत सही है मेरे हिसाब से। एनीवेज मैं यही बता रहा था कि आप सोच रहे हो कि 4 दिन के टिकट का मैंने $280 के आसपास भरे, सच कह रहा हूँ ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आप 4-5 कंट्री कर रहे हो और खुद से ऐसे इधर से उधर उधर से इधर करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए तो लोग EU पास खरीदते हैं। हाँ अगर 1-2 कंट्री करनी है यूरोप में तो ये पास लेने की फिर जरूरत नहीं है, फिर आप या तो फ्लाइट या फिर सिंगल टिकट लेके भी वो दिन का 60 यूरो 70 यूरो पे करके आप जा सकते हो। डब्बे में अभी टीटी साहब आए और टिकट सब चेक कर रहे हैं, ये कोई पहला स्टॉप आया है। एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ कि आप टिकट कहाँ से परचेस कर सकते हो, तो एक तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, दूसरा गेट योर गाइड की भी लिंक दे देता हूँ, दोनों के लगभग रेट सेम ही है। आप अपने हिसाब से अपने आइटनरी के हिसाब से 4 दिन 5 दिन की टिकट या फिर 1 हफ्ते की टिकट खरीद सकते हो। जब भी आप टिकट खरीदोगे तो आपसे 3 चीज़ें पूछी जाएगी, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, वो सही से डालना उसके 2 घंटे के अंदर अंदर ही, और आपका ईमेल आईडी ऑफकोर्स, तो 2 घंटे के अंदर अंदर ही फिर वो EU रेल कंपनी आपको ईमेल भेज देगी, आपकी एम पास उसमें लिखा रहेगा। अब वो एम पास किस काम पे आता है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज आपने वेबसाइट से टिकट खरीद ली ठीक है,
उसमें आपने डेट्स भी डाल दिए, 11 महीने तक टिकट वैलिड रहती है, अपने डिज़ायर्ड आइटनरी के हिसाब से वो खरीदी टिकट। नेक्स्ट स्टेप आता है गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS से EU रेल का ऐप डाउनलोड करना। जैसे वो ऐप डाउनलोड करते हो उसमें पूछा जाएगा आपसे एम पास नंबर, जो आपको ईमेल से आएगा, ठीक है, और आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिल करोगे तो आपका बता देगा कि भैया आपका 4 दिन का पास है। अब इस ऐप से ही सारे ट्रिप्स आप देखोगे कि कैसे कैसे ट्रेनें होती है, कितने बजे की ट्रेनें होती है, मेरे को बुकिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें इस ऐप से ही होगी। मैं बगल में आपको पूरा रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ कि वो ऐप फंक्शन कैसे करता है और कैसे इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है और फाइन से भी बचना है। जी हाँ, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो आप बगल में देख ही सकते हो, मैंने EU का खोल दिया है ऐप और उसमें सबसे पहले मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं माय प्लानर, प्लान करने का कि बेसिकली कौन से दिन मैं कैसे कैसे ट्रैवल करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने प्लान किया पेरिस से बेल्जियम ब्रुसेल्स, तो पेरिस नॉर्ड में डालता हूँ सर्च में और दूसरा फिर ब्रुसेल्स नॉर्ड, ब्रुसेल्स सेंट्रल, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग रेलवे स्टेशन होते हैं, तो डाल देने का एक बार नॉर्ड ही डालने का, नॉर्ड हो गया, ब्रुसेल्स में मिडी हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट स्टेशन है। मैं ऐसी एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने सर्च किया, फिर ट्रेनें का ऑप्शन है बहुत सारी। अब मैं उसमें फ़िल्टर में जाके फ़िल्टर करता हूँ कि भाई नो सीट रिजर्वेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि सीट रिजर्वेशन रिक्वायर्ड तो 29 यूरो मेरे को खर्चना पड़ेगा 3000 रुपीज़ के आसपास। अब 2 घंटे के लिए कौन इतना खर्चा करे। एक बार वो फिल्टर कर दिया उसके बाद सारे ऑप्शंस आए हैं, आप देख सकते हो मैंने 7:17 की ट्रेन पकड़ी है और मैं पहुंचूंगा 11:58, 3-4 ट्रेनें चेंज करके। अब इसमें और 2 फिल्टर्स होते हैं, एक तो ये कि ट्रांजिट ड्यूरेशन कितना, तो एटलीस्ट 10 मिनट्स कर देना ताकि आप वो 10 मिनट के अंदर अंदर एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन चेंज कर सको, वरना अगर वो नहीं करोगे तो क्या है ना 2-3 मिनट वाला भी ट्रांसफर टाइम बता देगा, फिर उसमें हो सकता है कि ट्रेन आपकी मिस हो, तो एटलीस्ट 10 मिनट वाला फिल्टर लगा देना। और ओनली EU पास वाला भी एक रहता है कि मतलब EU पास के ही ऑप्शन दो भाई, हमने ऑलरेडी खरीदी है तो दूसरे कोई ऑप्शन मत देना। अब मैंने सोचा फिर कि 3 दिन बेल्जियम रुक के मैं जाऊँगा एम्स्टरडैम, ठीक है, तो मैंने वापस फिर 3 दिन आगे की बेल्जियम से एम्स्टरडैम की टिकट सर्च कर रहा हूँ। इस हिसाब से मैं मेरी आइटनरी क्रिएट करूँगा। अगर 4 दिन का मैंने खरीदा है तो 4 दिन के हिसाब से मैं आइटनरी करूँगा, 5 दिन का खरीदा तो 5 दिन के हिसाब से आइटनरी करूँगा। आइटनरी जरूरी नहीं है कि जो आपने डाल दिया है वो चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हो। 1 दिन पहले तक आप वो टिकट कैंसिल करके वापस नई टिकट ले सकते हो, नया डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई। लेकिन हाँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ये करना है कि फर्स्ट ट्रेन तो बुक करनी है जिस दिन आपने एम पास खरीदा और ये एक्टिवेट कर दिया एम पास ऐप के द्वारा, ठीक है, तो उस दिन फिर है ना फर्स्ट जर्नी डेट, फर्स्ट जर्नी टिकट आप डाल देना। उसके बाद तो फिर आप कितना मर्जी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब भी आप जर्नी करो उससे 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, मतलब ट्रेन निकलनी नहीं चाहिए, हाँ ट्रेन निकलने से 10 मिनट पहले या फिर 2 दिन पहले, मैं तो 3 दिन पहले सब, ये बगल में येलो टॉगल बटन दिख रहा है आपको, वो दबा देने का, क्योंकि अगर वो ऑफ रहेगा ना, भले ही आपने एम पास खरीदी है, भले ही आपने आइटनरी में ऐड कर दिया जर्नी को, लेकिन आपको 7-8 हज़ार रुपया फाइन लग जाएगा अगर आपने वो टॉगल ऑन नहीं किया था। तो कृपया सारे ट्रेन्स के एक ही साथ ऑन कर देना ट्रिप के पहले, क्या ही दिक्कत है ना। बस आसान है, इतना कोई हैक्टिक नहीं है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन मैं समझता था कि जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग अटक जाते हैं EU रेल पास के बारे में, रेट सुनकर डर जाते हैं, या फिर रेट अगर एक बार अफोर्ड भी करे तो उसके बाद उसको यूज़ कैसे करना है, टिकटें कैसे बुक करनी है, प्लान कैसे करना है, आइटनरी बहुत टफ रहता है, कठिन रहता है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अच्छे से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से और मेरी जुबान के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। अच्छा, और एक और मेन चीज़ कि आपके फ़ोन में, जो फ़ोन में वो ऐप रहेगा, इंटरनेट होना ज़रूरी है। मैंने यूरोप का eSIM खरीदा, उसकी भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। टोटल मैंने खरीदा 15 दिन का, 10 GB हाई स्पीड और उसके बाद लो स्पीड हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हो 15 दिन एक टाइप का अनलिमिटेड इंटरनेट खरीदा है, जो कि मुझे पता है $23 के आसपास। इसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इंटरनेट होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब जब TC आएगा तो वो आपको ऐप में जाके हर टिकट का बारकोड वो रहेगा लाइव, तो वो स्कैन करवाना पड़ेगा, तभी तो आपको मिलेगा परमिशन, और फिर टॉगल वॉगल, मतलब जो भी है प्लान करने के लिए, EU पास जो फ़ोन में रहेगा उसमें इंटरनेट आप ज़रूर रखना। और इसमें बढ़िया बात ये लगती है कि इसमें मैप्स भी है, मैप में जाओगे जैसे ही आपने ट्रिप प्लान किया ना, हर ट्रिप प्लानर पर आप जितनी मर्जी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपके साथ कोई और है तो उसमें आप ऐड करके एम पास ऐड करके एक ही ऐप में एम पास का ऐड करके और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वो ऐड कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और माई ट्रिप्स भी कितना भी प्लान कर सकते हो, फिर जो आपको ठीक लगे वो रखना, बाकी सब उड़ा देना या फिर नहीं भी उड़ाओगे तो चलता है। लेकिन जो भी आप माई ट्रिप प्लान करते हो तो सब मैपिंग में दिखता है, तो वो ईजी हो जाता है, आपको पता चल जाता है, अच्छा मैं ऐसे जाने वाला हूँ, फिर ऐसे जाने वाला हूँ, फिर ऐसे जाने वाला हूँ, तो वो मेरे को अच्छा चीज़ लगा। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि EU रेल पास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी मस्त आराम से ट्रेन जर्नी करते हैं, आधे घंटे बाद पहली ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन में जाएंगे, फिर तीसरी ट्रेन में जाएंगे, फिर चौथी ट्रेन में जाके ब्रुसेल पहुँच जाएंगे, और फिर आज देखेंगे ना हम ब्रुसेल में क्या क्या करते हैं। वैसे जो फर्स्ट स्टॉप आया ना उसमें आधी से ज़्यादा भीड़ उतर गई है। ओ हो,
हाँ जी गाइस, तो स्वागत है आपका फ्रांस और बेल्जियम के बॉर्डर वाला गांव अल्नोए एमरिस, क्या नाम है। और जो मैं खिड़की से देख भी रहा था ना, ग्रीनरी वही सब थी, तो विलेज ही आप कह सकते हो फ्रांस का। यहाँ से अभी 12 मिनट बाद हमारी ट्रेन है नेक्स्ट, जो कि बेल्जियम और फ्रांस के बॉर्डर पे, लेकिन बेल्जियम साइड आप कह सकते हो। बस उसके बाद बेल्जियम के सिटीज़ में आना स्टार्ट हो जाएंगे हम। ये 921 वाली पकड़नी है अपने को, मॉबेज उतरना है। हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 0, ये कैसा नंबर होता है भाई? प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मेरे को पता है भाई, 0 भी होता है क्या? भाई साहब, गाँव की ठंड अलग ही रहती है, चाहे कोई भी देश का गाँव हो, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी के हिसाब से ठंडी लगती है। मेरे हिसाब से इस यूरोप ट्रिप में हम कोई तो गांव भी एक्सप्लोर करेंगे, मेरे को नहीं पता कौन से देश में, लेकिन ज़रूर करेंगे। मेरे को बड़ा पसंद है और मेरे को पता है आप लोगों को भी पसंद है, चाहे फिर चाइना हो, जापान हो, हर जगह के गांव आपने काफ़ी सराहा है, पसंद भी किया है। ठंड इतनी है कि इसके अंदर आ जाता हूँ, शेल्टर के अंदर। ओ, इतनी छोटी ट्रेन, देखो कितने डब्बे की है, 1, 2, अच्छा 2 ही है। 2 डब्बे की ट्रेन है और डबल डेकर है, लेकिन सही है यार, वाह वाह वाह। ट्रेन में आके अच्छा लगता है, मतलब थोड़ी गर्माहट मिलती है। ये थोड़ी गर्म हवा छोड़ना, ठंडी ठंडी हवा क्या छोड़ता है। I'm from India. Yeah. Hello, India. Hello. What's your name? Lamia. From France? France. Wow. And nice to meet you. Pratik. Pratik Jain. Pratik Jain. Yeah. Okay. I will see. Sure. Bye bye. Goodbye. चलो तो border पे ही सही, लेकिन मैं declare कर देता हूँ कि this is our country number 2 in this Europe trip. Welcome to Belgium. अभी जो नेक्स्ट ट्रेन है हमारी, उसमें कोचिस देख लो, सब इतनी सारी सीट्स है ना, और खाली है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि भीड़ जरा भी नहीं है, तो आपको बैठने को इजीली मिल जाएगा, भले ही आप सीट रिजर्व ना करो। लेकिन ये जो फर्स्ट डब्बा है ना, ये पूरा फर्स्ट डब्बा ही है, लेकिन इस तरफ अलग से कंपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ 7 सीट है। सही है, आई थिंक सो, ये भी कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, वरना रिजर्व्ड कंपार्टमेंट ऐसा कुछ लिखा होता। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ स्मोकिंग अलाउड नहीं है वगैरह, वही सब लिखी गई है चीज़ें। और अभी मेरा ध्यान गया कि यहाँ से जो हवाएं आती है ना, उसका पूरा टेम्परेचर सेट आप कर सकते हो, मतलब ये थोड़ा मैं हॉट की तरफ डाल देता हूँ तो गर्म हवाएं आएगी। अरे वाह, ये भी चीज़ मेरे को बढ़िया लगी। बस एक चार्जिंग पॉइंट्स की कमी लग रही है, अगर चार्जिंग पॉइंट्स होते ना तो मज़ा आ जाता। अभी जो स्टॉप आया ना, फर्स्ट स्टॉप, बस 5 मिनट में आ गया। ये है बेल्जियम का फर्स्ट टाउन, आप कह सकते हो, या फिर विलेज, ठीक है। अब वो जो दिख रहा है आपको घर, वो फ्रांस में है, और ये जो है ये बेल्जियम में, कितना फनी है ना। और अभी ये एक स्टेशन है, उसका नाम पता है क्या है? सोलरे सुर सांबरे, हाय हाय हाय, क्या नाम है। सही में दिमाग काम नहीं करता, ऐसी ऐसी जगह देख रहा हूं ना, मेरे को लग रहा है कि सिटीज में नहीं रहने का बाबा, इधर ही घूमो फिरो, मजे करो, फिर वापस जाओ। कितनी शानदार जगह है। हेलो। बढ़िया लोग यार, यूरोप के लोग थोड़े कम शाय होते हैं। ये क्या हो गया भाई? अरे मेजे मरते, क्या बोलते हैं मरते। ये स्पेन के लोग है सब, मैड्रिड। क्या यार, दिस इज मर्सी। ओ, इन स्पेनिश हाउ टू से थैंक यू? ओब्रिगादो, ग्रासियास। ओ सॉरी, पोर्तुगीज। करेक्ट। इन इंडिया हिंदी। धन्यवाद। यू नो? हाँ, अरे वाह, होशियार हो आप तो। ओला, राइट? ओला मीन्स हेलो। इन इंडिया वी से नमस्ते। यू नो नमस्ते ऑल्सो? हाँ, वाह, यू आर वेरी टैलेंटेड गर्ल। व्हाट्स योर नेम? डानियेला। व्हाट अबाउट यू? लुसिया। यू? डेलिया। मार्ता। अरे वाह, मार्ता स्क्वायर। एलीना। कार्ला। कार्मे।
कार्मी कार्ला मार्ता एलिना डेलिना वेरी ब्यूटीफुल नेम्स. माय नेम इज प्रतीक. प्रतीक प्रतीक जैन. वाह यू नो यू रिमेम्बर ऑन इंस्टाग्राम. दैट्स व्हाई. अरे वाह मेमोरी शार्प मेमोरी. हाँ शार्प मेमोरी. चलो ग्राशिया धन्यवाद. सेम यर नाइस टू मीट यू टू ऑल. सेम टू यू ऑल. जी तो फाइनली उतर गए हम ब्रुसेल्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. यहाँ पे हम कुछ दिन बिताने वाले हैं. बेल्जियम को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे. रुकेंगे ब्रुसेल्स में स्टे क्योंकि बेल्जियम बहुत छोटा कंट्री है. तो जो भी दूसरी सिटीज़ है जैसे कि गैंड हो गया जी एंडी करके कुछ तो मैं कह रहा था दूसरी सिटीज़ जो भी है एंटवर्प वगैरह हो गया ना हम वो एक्सप्लोर करेंगे. लेकिन वहाँ पे स्टे नहीं लेंगे. स्टे सारे ही दिन ब्रुसेल्स में ही होंगे. डे ट्रिप करते जाएंगे और अनुभव करेंगे बेल्जियम को भी. फिर निकल जाएंगे थर्ड कंट्री जो कि है जर्मनी. ठीक है.